अब चलें गाड़ी के अंदर। अंदर आते भाई साहब फुल फैब्रिक का ही बहुत बड़ा रोल होता भाई, ये जो परफोरेटेड है ना बहुत फाइन क्वालिटी का। ये फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो गया, ये पूरी गाड़ी दिखा रखी है। तो ये रहा भाई पर्चा, अब देख के बताएंगे आपको कि हमारी गाड़ी में कौन सा सामान कितने का लगा है और कैसा लग रहा है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब भाई? आप सब भी बता दिया करो यार, आप सब कैसे हो? लिख दिया करो जय बजरंगबली, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जिसका जैसा मन करता है हेलो हाय। भाई आप भी कर लिया करो मेरे साथ यार कभी कभी, है मैं तो पूछ ही लेता हूँ और आप उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होगे। तो ऐसे से ना पूरी एनर्जी सी बन रहेगी कि हाँ भाई अपनी सारी ऑटोमोटिव की जो सेना है वो फुल एक्टिव है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एंड भाई फिट एंड फाइन तो हमारे को रहना था क्योंकि हमारे को भी नैनो भाई मोटिवेशन कम्प्लीट करनी है, लेकिन भाई नैनो को मोटिवेशन सोने नहीं देती, लेट तक आते हैं, फिर सुबह निकलना पड़ता है। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारी इसकी जो मोटिवेशन चल रही थी इंटीरियर वाली, वो थोड़ी सी रुकावट आ गई थी उसमें, वो पूरी नहीं हो पाई थी भाई, बारिश ने खलल डाल दी थी। लेकिन भाई एक चीज मेरे को ना इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी, अभी मैंने ना गाड़ी की कोई हेडलाइट ऑन नहीं कर रखी है, अभी अंधेरे में चल रही है। भाई इसका जो 360 डिग्री कैमरा कितना क्लियर है यार, है ये देखना चलती गाड़ी में कितना क्लियर दिखा रहा है, सेम जैसे विंडस्क्रीन पे दिख रहा ना सेम ऐसा ही क्लियर मेरे को यहाँ कैमरे में भी दिख रहा है। ये चीज तो ना मेरे को नैनो में सबसे ज्यादा पसंद आई भाई, जिसका 360 डिग्री कैमरा लगा है। और जब हम इस गाड़ी में कल काम करवा रहे थे ना तो काफी भाई देखने की डरते हैं कि या ये नई नैनो आई है या क्या है या ये पुरानी कैसे, मतलब काफी भाई बहनों को भाई कंफ्यूजन है कि मेरे पास नैनो कब आई। तो भाई मेरे पास जो नैनो है ये 2015 से है, जून 2015 में हमने परचेज की थी, 17 जून 2015 को, 17 नंबर तो मेरा रहता ही है ना हर चीज में, तो 17 जून 2015 को परचेज की थी। दिखती क्यों नहीं है ये ज्यादा, क्योंकि ये भाई ये घर पे रहती है तो इसीलिए ये ज्यादा चलती भी नहीं है। जब भी ये मेरे पास आती है ना मैं इसको हमेशा भाई 4-5 हजार किलोमीटर चलाने के बाद ही खड़ी करता हूँ, तो फिर तो ये घर पे तो चलती है नहीं, बस खड़ी ही रहती है। तो अब जितनी चलेगी मेरे पास ही चलेगी। फटाफट भाई अब इसको लेके चलते हैं करोल बाग, आज इसकी मोटिवेशन कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे भाइयों को फोन आ रहे, विक्रम भाई आपकी नैनो का वीडियो बनाना है, तो भाई बनाओ यार, बिल्कुल बनाओ, आपको पता लगना चाहिए कि भाई एक नैनो ऐसी भी बनी है अपनी प्यारी वाली नैनो। आप सबका बहुत प्यार मिला भाई इस नैनो पे, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। 75 years later. तो भाई अभी मैंने ना मीम लगाया हुआ 75 years later, भाई सच में ऐसे होगा, सुबह आए थे, होते 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 शाम होगी। मैंने आज कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया, कॉल भी उठाया मैंने बिल्कुल नहीं उठाया, मैं आज ना तसल्ली से ना गाड़ी का काम कंप्लीट करवाना है भाई बैठ के। तो एक एक चीज पीछे से बार बार ना देखो आ नहीं सकते, एंड भाई देखो टाइम देना भी जरूरी है, अगर मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगा रहता ना फिर या तो वही होता या वही होता। हाँ जब ये होता ना कई बार क्या एक फ्लो में चल रहा है भाई, नैनो के लिए स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। काम अपनी गाड़ी का सारा कंप्लीट हो गया है, पर्चा अपना रेडी है, ये मैं आपको बता दूंगा एज यूजुअल, बाकी काम बहुत बढ़िया है कवल भैया। एक्सपेक्टेड मतलब नैनो का जो सच में आप जब देखोगे ना गाड़ी को अंदर से दिखाओगे, विक्रम भाई ऐसे करना दिख रहा ऐसे ही पाजी के लिए मेरे को भाई मन करता है ऐसे करने का, क्योंकि भैया ना देखो टाइम जरूर लेते हैं। मैं आपको ही बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए कोई भी काम करवाने हो ना टाइम लेके आओ, या अपना फोन करके या व्हाट्सएप करके, देखो फोन तो नहीं उठा पाते। जो आपको जितना काम हमने किया ये 2-3 दिन का काम था, गाड़ी में 2 दिन रखनी जरूरी थी अपने पास, जरूरी थी भाई। देखो जिसमें पहले हमने काफी चीजें बोल रखी थी, लेकिन फिर भी भाई जब लगती है ना चीज उसके बाद पता लगता है, जब कोई ऐसी गाड़ी जब वो डिसकंटिन्यू होगी हो, रनिंग मॉडल हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मिल जाता सामान दाएं बाएं है। नैनो का नाम सुनकर आते तो सीधा बोलते हैं सॉरी, नैनो तो इंडिया की फर्स्ट नैनो हो गई जिसमें कई सारी चीजें फर्स्ट है भाई। 360 डिग्री कैमरा लगाया, मैं तो मना कर रहा था मैं भैया खाली टच स्क्रीन कर दो या खाली स्पीकर चेंज कर दो, बोला नहीं हम इसमें 360 डिग्री लगाएंगे, बस स्कॉर्पियो में लगाया नहीं हमने, इसमें लगा दिया 360 डिग्री। लोग कहेंगे छोटी सी गाड़ी है उसमें 360 डिग्री लगा दिया, पर भाई क्लैरिटी क्या गजब की है उसकी, अल्टीमेट क्लैरिटी है। चलो अब चलते हैं, वैसे कि हमारा काम तो वही है दुकान बढ़ा के निकला, 11 ऑलरेडी बज चुके हैं भाई। एंड भाई आपको भी जस्ट ऐसे ही इतना प्यारा इतना वंडरफुल काम कराना था, एड्रेस नोट कर लो, सीधा गूगल पे लिखना है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, सीधा यहाँ लेके आएगा 10172 अब्दुल अजीज रोड, अब तो एड्रेस भी याद हो गया मेरे को। ठीक है जी अब घर पहुंचता हूँ, फिर आपको सारी गाड़ी डिटेल में दिखाता हूँ और फुल प्राइसिंग के साथ बताता हूँ। Approximately 10 hours later. नैनो के इंटीरियर मॉडिफिकेशन भी कंप्लीट हो गए, एंड भाई गाड़ी को वॉश भी करा दिया चमचमाती हुई, क्या गजब की लग रही गाड़ी। एंड ये वो सारा सामान है जो अपनी गाड़ी के अंदर लगा है, एक एक करके अब आपको फटाफट बताता हूँ अपनी गाड़ी में क्या क्या चीजें लगी हैं। ये रहा भाई पर्चा, अब देख के बताएंगे आपको कि हमारी गाड़ी में कौन सा सामान कितने का लगा है और कैसा लग रहा है, आप बताना फिर कमेंट बॉक्स में कि हाँ विक्रम भाई कैसी लग रही है, गजब लग रही है, मस्त लग रही है। एंड सबसे ऊपर बॉक्स है भाई हमारा अजूम का, तो हमारी गाड़ी में लगी है भाई अजूम की LED, यहाँ पे H4 लगी है, फोग लैंप में हमारी H11 लगी है, दोनों ही ये 130 वॉट की है और इनका प्राइस है भाई 14,000 रुपए, यानी 7,000 की ऊपर वाली है और 7,000 की भाई नीचे वाली है, तो दोनों भाई ये 14,000 की है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारी गाड़ी के
स्पीकर्स का, हेलिक्स वाले तो हमारे को 6,000 के पड़े हैं क्योंकि ये कोएक्सियल है भाई, कंपोनेंट नहीं है अंदर, इनके ट्विटर होता है ना। एंड जो ये कार्बन वाले हैं इसमें भाई MRP तो काफी दिख रहा होगा, लेकिन ये अपने 4500 रुपए के हैं। एंड सबसे नीचे है भाई हमारा हाइपरसोनिक का स्मार्ट कारपेट, एंड भाई इसके अंदर लगा है 360 डिग्री कैमरा, एक फ्रंट कैमरा है, एक हमारा कैमरा यहाँ पे है। एंड भाई इसको कैसे भूल सकते हो अब, यहाँ पे भाई ऑटोमोटिव 17 की बैजिंग भी आ गई है, पहले यहाँ पे फेंडर पे होती थी लेकिन अब भाई इसको शीशे पे करवा दिया। काफी भाई ने कहा था कि विक्रम भाई इंडिकेटर को भी ब्लैकआउट कराओ, तो भाई इसको भी बिल्कुल डार्क जो फिल्म होती है ना वो करा दिया। जब इंडिकेटर ऑन होगा तो ये जरूर दिखेगा आपको, अदरवाइज ऐसे ब्लैक रहेगा, तो मैच कर गया ना बिल्कुल, डोर हैंडल्स है एंड उससे बिल्कुल मैच होगा। अब लॉक करके जाता हूँ, देखो दिखता है, अनलॉक पे भी दिखता है। एंड यहाँ पे रखा है भाई गाड़ी का बॉडी कवर, क्योंकि भाई जब ये गाड़ी घर चली जाएगी तो भाई ये बहुत कम चला करेगी, हफ्ते 10 दिन में भाई जब कभी निकल गई तो निकल गई, अदरवाइज तो ये खड़ी रहेगी, तो भाई इसके ऊपर धूल मिट्टी स्क्रैच ना आए तो इसको बॉडी कवर से ढक के आराम से खड़ी कर दे। वैसे तो ऐसे ही कवर्ड में खड़ी होती है ये भी शेड के नीचे, पर भाई तरपाल ढक के खड़ी कर दे ताकि खराब ना हो, नई नवेली बन जाए। अब तक जैसे संभाल के रखा है भाई 8 सालों में, आगे भी ये पूरी ऐसी अपनी संभल के रहनी चाहिए। फिर बारी आती है भाई कार पंप की, इससे आप डिफ्लेट भी कर सकते हो, इसको दबा के हवा ज्यादा तो कम कर सकते हो, इसका ऑन ऑफ का है। एंड ये पीछे से ऐसा है भाई, ठीक है भाई पंप भी, और ये पंप है भाई हमारा 2000 रुपए का, बॉडी कवर है भाई हमारा 1300 रुपए का। अब चलते इधर से गाड़ी के अंदर, अरे यहाँ का तो ये भूल ही गया, ऑटोमेटिक ये, हाँ अब सही लग रहा है भाई, उतारना रह गया था तो इसको उतार दिया मैंने। अब गाड़ी के अंदर जाएंगे, उससे पहले देखा तो गाड़ी की फ्लिप की, पीछे भाई है टाटा का लोगो जैसे ओरिजिनल आता है बिल्कुल वैसे ही भाई। एंड आगे से रहा लॉक अनलॉक, ये हो गया गाड़ी लॉक, ये होगी गाड़ी अनलॉक, ये वाला बटन हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि जो हमारी बूट है वो भाई सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्टेड ही नहीं है, वो खाली चाबी से खुलती है। अब चलें गाड़ी के अंदर, अंदर आते भाई साहब फुल लग्जरी का एहसास कराएगी अब आपको नैनो, ऐसा नहीं है अब पहले जैसी नैनो ने रही। खाली हमारा जो डैशबोर्ड है सिर्फ अब ये बेज कलर का है हमारी गाड़ी में, उसके अलावा भाई अब कोई चीज़ बेज नहीं है। मैं इसको भाई खुलवाना नहीं चाहता था, ज़्यादा छेड़खानी करना नहीं चाहता था इसके साथ, बाई चांस खुलते टाइम या बंद होते टाइम कुछ भी ऐसा हो जाता ना तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती, और फिर भाई पार्ट ऑर्डर करना तो बड़ी महाभारत का काम हो जाता आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में भाई पार्ट मिलना ही बड़ी मुश्किल है क्योंकि गाड़ी डिस्कंटिन्यू होगी भाई, 3 साल हो गए गाड़ी को डिस्कंटिन्यू हुए, तो भाई पार्ट अरेंज करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के डोर पैड्स की, ये भी पहले बेज कलर के थे तो भाई इनको भी हमने पैडिंग करा के चेंज कराया है। एंड भाई ये कार्बन फाइबर, भाई ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये कार्बन फाइबर का हाइड्रोडिप है भाई, ठीक है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विक्रम भाई आप कार्बन फाइबर बोलते, भाई कार्बन फाइबर का हाइड्रोडिप है, कार्बन फाइबर तो वही और भी बहुत कॉस्टली आइटम हो जाती है, तो ये कार्बन फाइबर जैसा ही हाइड्रोडिप है, जो फीलिंग आपको सेम बिल्कुल एज इट इज ही देगा। एंड भाई जो पूरी कार्बन फाइबर हुई है हमारी गाड़ी के अंदर, चाहे आप सेंटर कंसोल में लगा लो या स्पीकर्स पे लगा लो डोर्स पे लगा लो, ये सारी का जो कॉस्टिंग आई है भाई हमारी कार्बन फाइबर की वो आई है भाई 11,000 रुपए की। कार टू कार डिपेंड करता है, जैसे आगे का डोर है सेम ऐसे ही हमारा ये पीछे वाले डोर्स हैं। अब भाई जो इसके पीछे वाले डोर्स हैं वो मैनुअली होते हैं, आगे वाले पावर विंडो है। सीट्स की बात करो तो भाई ये मैंने बिल्कुल बैठ, ये मेरा डिजाइन किया हुआ डिजाइन है भाई, मतलब जो मोल्ड थे वो तो इसके वही वाले रखे हमने, जो यहाँ देते हैं यहाँ परफोरेटेड एंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे ब्लैक मोस्टली यहाँ होता है, मैंने यहाँ पे दिया भाई, चेंज करने की कोशिश किया मैंने इसको थोड़ा सा। एंड यहाँ पे भाई जो रेड एसेंट दिया है मैंने, रेड पाइपिंग कह लो इसको, बताना भाई कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही रेड पाइपिंग। प्रॉपर कस्टमाइज सीट कवर है भाई इसके, क्योंकि इसका जो हेडरेस्ट है ये अलग से बनता है, इसमें बड़ी महाभारत हुई थी भाई इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो इसका पाइप है जुड़ा हुआ है इसको निकालना इसको करना ये करना बड़ा ही भाई बड़ा दिक्कत वाला काम था, लेकिन भाई हार नहीं माने, आपको पता है मैं हार मानता नहीं हूँ ऐसे किसी चीज, जिस चीज से पंगा लेना ना भाई वो चीज छोड़ूंगा नहीं बीच में, उसको फिर पार करके पार लेता हूँ मैं। और इन सीट कवर्स की कॉस्टिंग आई है भाई 10,000 रुपए की, तो 10,000 के अपने को सीट कवर्स में प्रॉपर कस्टमाइज भाई, ये कार टू कार डिपेंड करता है भाई प्राइस, आप ये नहीं कहना कि इतने महंगे इतने। फैब्रिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है भाई, ये जो परफोरेटेड है ना बहुत फाइन क्वालिटी का परफोरेटेड, आप देख लो इसको, जैसे आप कहते हो ना कंपनी फिटेड कार्स में आता है सेम वही, और स्टिचिंग देखो बिल्कुल कहीं आगे जा रही है कहीं पीछे जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं। और बात कर लेते हैं गाड़ी के मैट की, तो भाई इस गाड़ी के अंदर लगे यूनिवर्सल मैट, क्योंकि भाई किसी के पास आज की डेट में नैनो का डाई ही नहीं है, जो मैट्स होती है नैनो की वो डाई है ही नहीं भाई किसी के पास, तो भाई हमारे को फिर इसमें यूनिवर्सल लगाना है, पर यूनिवर्सल की फिट भी इसकी बहुत बड़ी आ गई, मतलब पूरा कवरेज ले लिया कहीं से भी ना खाली नहीं रहा, तो फुल कवरेज आ गई, और क्या चाहिए हमारे को। और जो मैट की कॉस्टिंग अपने को पड़ी है वो पड़ी है भाई 2200 रुपए की। अब गाड़ी के अंदर तो बैठ गए, जैसे खिड़की बंद करके थर्ड देखो डोर का कितना मजबूत हो गया,
तो इस गाड़ी के अंदर भाई हो गई है कंप्लीट डैम्पिंग अंदर बाहर, मतलब दो अंदर बाहर जो होता है ना, अंदर वाला पार्ट होता है बाहर वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाली शीट है और बाहर वाली शीट है दोनों पे भाई डैम्पिंग हुई है। और इस डैम्पिंग पे लगी भाई इस गाड़ी के अंदर 20 शीट लगी है और 700 रुपए की पर शीट थी, तो भाई 14,000 रुपए की हमारे को डैम्पिंग पड़ी है। गाड़ी के अंदर बैठते भाई सबसे पहले हाथ जाता है हमारा स्टेयरिंग व्हील पे, तो स्टेयरिंग व्हील भी हमारा रैप हो गया कंप्लीट। यहाँ पे सेम ऐसे परफोरेटेड था एंड बाहर की तरफ ऐसे था, तो सेम मैंने वही रखा है, यहाँ परफोरेटेड टाइप का रखा है एंड यहाँ पे प्लेन सेम ऐसे स्टिचिंग देके, जैसे हमारी सीट कवर्स की स्टिचिंग है सेम वही हमने थ्रेड यहाँ पे रखा है। तो इसकी जो कॉस्टिंग हमारी पड़ी है वो पड़ी है भाई 2,000 रुपए की। अब कर लेते हैं भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन। जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे वो स्विच 120 पे जाती है, गाड़ी भी 120 पे जाती है, फिर उसके बाद आपका मेन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये आएगी गाड़ी, गाड़ी हाँ भाई इसमें सेडान दिखेगी ना, देखो पूरा दिख रहा है जहाँ पे हमारी ये गाड़ी इस टाइम खड़ी है पूरा कंप्लीट ऐसे दिखाएगा। एंड देन उसके बाद भाई इसका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो ये फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो गया, ये पूरी गाड़ी दिखा रखी है कहाँ कहाँ कहाँ, देखो कितना गैप है बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है भाई, जो नेचुरल लाइट है वही है। और आप इसमें कैमरे की क्वालिटी देखो, तो ये जो हाइपरसोनिक का हमारे को पड़ा है भाई, ये पड़ा है भाई मेरे को 18,000 रुपए का, 2GB 32GB है भाई ये। एंड इसके अंदर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस ये सारी चीज मिलती है भाई। उसके अलावा जब आप इसके अंदर करवाते हो 360 डिग्री, जो मैंने आपको दिखा दिया इसके ORVM पे कैमराज है, अगर 360 डिग्री आप एक्स्ट्रा करवाते हो तो उसके आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अब आपको स्टार लाइट भी दिख रही होगी भाई, देख लो कितनी मस्त लग रही है ना, तो जो स्टार लाइट है एंड जो हमारा रूफ लाइनर है भाई, इसको भी हमने किया ना थोड़ा वेलवेट टच दिया है। रूफ लाइनर जो और स्टार लाइट पड़ी है भाई हमारे को 13,000 रुपए की पड़ी है। और वे सिस्टम है, आप इधर का इंडिकेटर दोगे तो यहाँ का दिख जाएगा, और देखो मैंने स्टेयरिंग की कटाई कर रखी है ना, इधर से इधर दिख रही है। एंड भाई इधर वाला इंडिकेटर ऑन करोगे तो इधर वाला दिखेगा, तो प्रॉपर अब इसको अलाइनमेंट कर दिया है बिल्कुल ओके है। एंड जब मैं रिवर्स लगाऊंगा तो देख लो ये रिवर्स का क्लियर दिखा रहा है मेरे। अब बूट और दिखा देते हैं आपको इसकी, बूट तो इसकी की से ओपन होती है, तो भाई बूट में यहाँ इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे हमने कोई कट नहीं किया, एक जो एक्स्ट्रा कनेक्शन आता है ना भाई ये तो इसका ओरिजिनल था एंड यहाँ से हमने देखे इसको फिक्स कर दिया इसमें, मतलब कोई इसमें भी वायर हमने पील ऑफ वाला काम नहीं किया, ये तार आई हुई थी यहाँ से हमने इसमें कपलर से कपलर इसका बना लिया एंड फिर इसको फिट कर दिया। ये अपने हेलिक्स के 6 इंच के स्पीकर्स हैं, जो आगे हमारे स्पीकर लगे हैं वो हमारे 5 इंच के स्पीकर लगे हैं। कॉस्टिंग मैंने आपको बताई थी, ये हमारे को 6 के पड़े हैं एंड वो 4,500 रुपए के। और ये रहा भाई इसका रियर कैमरा, एंड साइड वाले कैमरे भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ फिनिश में, ये देखो प्रॉपर अंदर चला जाता है भाई, प्रॉपर कटिंग ही वो इसी हिसाब से करते हैं, ऐसे नहीं है उनके पास प्रॉपर डाई वाई सब कुछ है भाई, ऐसा नहीं कि मतलब नौसिखे वाला काम है कि कुछ भी उठाया और कर दिया छेद वेद ऐसे हाथ से। तो कुल मिला के भाई हमने अपनी नैनो के जो इंटीरियर जो वाला पार्ट बनाया था कुछ सारा कंप्लीट दिखाया, इस पे हमने खर्चा भाई 1,12,000 रुपए, ये कस्टमर प्राइस है भाई, जो कस्टमर्स को लगता है वही वाला प्राइस है। पर इसके ऊपर भाई आप कवल भाई से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्काउंट की बात कर देते, मैंने भी कही कवल भैया थोड़ा सा कर दो यार, रिगार्ड कर दो आप अपना। पर अगर आप भी जाएंगे कवल भैया के पास भाई और ऐसा ही फर्स्ट क्लास मस्त वाला काम करेंगे अपनी गाड़ी में, आप भी कहेंगे विक्रम भाई का वाला डिस्काउंट कर दो, थोड़ा ऑटोमोटिव 17 का भी रिगार्ड करो यार, तो वो कर देंगे भाई, ऐसा मना नहीं करेंगे भाई, जैसा बिल होगा वैसा डिस्काउंट हो जाएगा। और काम की तो भाई फुल गारंटी है, मतलब जो मजा आता है ना काम होने के बाद, देखो होते तक तो लगता है यार क्या छेड़ा छेड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब कंप्लीट हो गए सब्र रखना पड़ता है भाई, जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा सब्र रखना पड़ेगा, छोटा मोटा काम हो फटाफट जाएगा। और अगर आप काफी दूर से आ रहे हो तो प्लीज उनको मैसेज या व्हाट्सएप ड्रॉप करके चले जाना, अगर कोई दिक्कत होती है कहीं वो नहीं आपको जवाब है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पर्सनली, आप अपनी गाड़ी का फोटो भेज सकते हो तो मैं उनको भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा कि कॉल भैया ये वाली गाड़ी, तो आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, अपने परिवार से आ रहा है अपने ऑटोमोटिव 17 से आ रहा है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि आपको नैनो की ये वाली मोटिवेशन कैसी रही। एंड काफी भाई डिमांड कर रहे हैं कि विक्रम भाई एक कंप्लीट वीडियो लेके आओ जिसमें आपने दिस टू डैट ये वाला जो काम किया है वो हमारे को देखना है कि कैसी नैनो पहले थी और कैसी अब हो गई कंप्लीट, तो भाई वो भी आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट मैं खर्चा बता दूं कि टोटल मैंने नैनो के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया है। भाई प्यार है नैनो अपना इसीलिए भाई किया है, नहीं तो भाई नहीं भी करते। तो वही है भाई गाड़ी मेरे को कभी सेल करने को बहुत भाई पूछते, मेरे को भाई बहुत ही बड़ा ऑफर भी आ गया इस गाड़ी पे कि आप मुझे सेल कर दो, इतना प्राइस दूंगा इतना दूंगा, मैं नहीं भाई गाड़ी तो मैं नहीं सेल करूंगा, गाड़ी से प्यार है भाई तभी तो इतना उसके ऊपर प्यार खर्चा है मैंने। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कमेंट बॉक्स में भाई आप मेरे को जरूर बताना कि आपको नैनो की मोटिवेशन कैसी लगी, प्लीज बताना। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल माय टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और भैया का नंबर मैंने डिस्प्ले में भी कई बार डाल दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके जी, गुड डे।